हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल पूजा ट्यूटोरियल कंप्यूटर क्लास। आपको मैंने होम टैब कंप्लीट करा दिया था, आज हम इंसर्ट टैब पढ़ेंगे। इंसर्ट टैब इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप चलिए इंसर्ट टैब शुरू करते हैं। इंसर्ट टैब पर जाने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट पर ही क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास रिबन मीन्स उसके सब ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। अब देखिए, ये मेरा पेज ऑलरेडी था, पहली मैंने अपनी पहले वीडियो में बनाया हुआ था, तो मैंने एज इट इज ही रहने दिया है। अब देखिए मेरे को क्या करना है। सबसे पहला ऑप्शन आता है पेजेस में कवर पेज। जैसे आपके बुक का कवर पेज होता है, आपको प्रोजेक्ट दिया जाए और आपको उसका कवर पेज बनाना है, तो आप कवर पेज आपको चाहिए तो आप यहाँ कवर पेज पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कवर पेज पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके बहुत सारे पेजेस इसने दिए हुए हैं। आपको जो सभी पेजेस इसमें चाहिए, देखो बहुत सारे ऑप्शन इसने दिए हुए हैं, आपको जो आपको अच्छा लगे आप वो पेज ले सकते हैं। मैं यहाँ पर जाके मैंने क्या किया, ये वाला ले लिया है, दिस वन। ठीक, तो देखो ये मेरा कवर पेज आ गया है। कवर पेज में टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, यहाँ मैं टाइटल नेम देना होता है कि आपका टाइटल क्या है। सपोज मैंने आपको टाइटल दिया कंप्यूटर सिस्टम, आपने लिख दिया कंप्यूटर सिस्टम, ये मेरा टाइटल हो गया। सब टाइटल मीन्स उसके अंदर का आपको क्या पार्ट देना है, उसका सब टाइटल क्या है। तो मैंने लिख दिया इनपुट डिवाइसेस, या जो भी उसका सब टाइटल है, मैं तो एक एग्जांपल ले रही हूँ, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। फिर पिक द डेट, आज की जो भी डेट आपको चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट जैसा आज क्या है टूडे, कैलेंडर ने शो कर दिया तो मैंने टूडे कर दिया, और नेम पूजा लिखा हुआ ये मेरा। क्लियर, चेंजेस करना है यहाँ पर तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं, ऑथर नेम मीन्स जो बना रहा है। तो ये तो हो गया मेरा क्या, पेज कवर। इस तरीके से मेरा पेज कवर बनता है। आपको यहाँ पर भी अगर कुछ और लिखना है, जैसे बैक में आ रहा है ना, आप ऐसी स्पेस दबाएंगे तो वो चढ़ता जा रहा है। तो ये मेरा कवर पेज हो गया है। आपको इसे चेंज करना है और भी कोई देख सकते हो, तो यहीं पर ही ऑप्शन आ रहे हैं कवर पेज पर। तो ये देखिए कलरफुल सा भी है, ये देखो ये कुछ इस तरीके का ले लिया तो मेरा अपोजिट हो गया। तो ये मेरा कवर पेज है, जितना जो जो वो चीज कहता जा रहा है बस वहां पर आप चेंजेस करते जाना है। और अगर आपको कवर पेज नहीं चाहिए, वैसे तो कवर पेज चाहिए होता है, अगर नहीं चाहिए हटाना है 1% सिंपली काम कर रहे हैं, तो देखिए रिमूव करंट पेज, तो ये मेरा रिमूव हो गया। क्लियर, अब अगर आपको ब्लैंक पेज चाहिए तो जहां मेरा कर्सर है ब्लैंक पेज वहीं आएगा खाली, तो देखिए उससे ऊपर मेरा क्या आ गया, ब्लैंक पेज, खाली पेज आ गया। मेरे को पेज ब्रेक करना है, खाली पेज चाहिए। पेज ब्रेक मतलब जहां से आप ब्रेक करना चाहते हो, तो आपको पहले कर्सर को वहां सेट करना होगा। मींस मेरे को इन दो पैराग्राफ के बीच पेज ब्रेक करना है। सपोज मेरे को, मैं यहां पर कोई और इन्फॉर्मेशन लिखना चाहती हूं और वो इन दोनों पैराग्राफ के बीच में चाहिए, और मेरे को पेज इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर कर्सर क्लिक करूंगी और पेज ब्रेक कर दूंगी। तो देखो मेरा पेज ब्रेक हो गया है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, तो ये मेरा पेज ब्रेक हो गया। एक पैराग्राफ मेरा अलग आ गया और दूसरा मेरा अलग ऊपर, ये देखिए, तो मेरा होता है पेज ब्रेक। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इजी स्टेप्स हैं। अब बात करते हैं टेबल। टेबल क्या होती है, रोज एंड कॉलम। आपको टेबल बनानी है। सपोज इसी में मैं आपसे कहूं कि जो मेरे को टेबल चाहिए, एक साइड इनपुट डिवाइसेस और एक साइड आउटपुट डिवाइसेस लिखिए। तो देखो मैं टेबल ऑप्शन पर, टेबल के लिए मैं टेबल पर गई। तीन तरीके हैं, ये देखिए, टू रोज टू कॉलम, थ्री रोज थ्री कॉलम, जितना आप लेंगे आपकी उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये देखिए। और आपको फिर इसमें जो भी टाइप करना है आप इसमें टाइप कर सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा। और अगर आपको इसको हटाना है टेबल को, तो यहीं पर क्लिक करेंगे, जो एरो का साइन बना रहा था आपको दिखाई नहीं दिया, ये रहा छोटा सा फोर जो आता है ना, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर कट ऑप्शन आ रहा है, इसको कट कर देंगे, ठीक। दूसरा ऑप्शन क्या था, इंसर्ट पे, यहीं पर टेबल में देखिए आपसे पूछ रहा है इंसर्ट टेबल, इंसर्ट कीजिए, तो पूछेगा कितने कॉलम और कितने रोज चाहिए। सपोज मेरे को कॉलम चाहिए फोर और रोज चाहिए थ्री, ठीक है, और मैंने ओके कर दिया, तो देखिए फोर रोज और थ्री कॉलम, क्लियर। और अगर आपको ये भी नहीं चाहिए, इसको भी कट करना है, आप इसको राइट क्लिक कीजिए और इसको कट कर दीजिए। एक आता है आपका ड्रॉ टेबल, इसी में आता है, आप पेन के थ्रू इसमें क्या कर सकते हैं, टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, ये रहा, ये पेन आ जाएगा, पेन के थ्रू आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं।
ये थोड़ी ड्रॉ करने टिपिकल होती है, तो आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं, चाहे ड्रॉ करें जैसे भी करें वो हो जाएगा। चलिए तो ये था, आप इरेज करनी है तो मैंने इरेज कर दी, ये इरेज पेन था तो इसको मैंने इरेज कर दिया इतने पार्ट को, ये देखिए क्लियर। तो ये थी आपकी इंसर्ट टेबल। उसके बाद ये ऑप्शंस भी आते हैं, बॉर्डर आपको टेबल का कैसा चाहिए, ठीक है, राइट बॉर्डर चाहिए या ओल्ड बॉर्डर चाहिए। अभी मैंने लिखा नहीं है इसलिए मेरा ऐसे ही आ रहा है ये ओल्ड बॉर्डर के बाद। पहले या एक काम कर देती हूँ, मैं आपका कुछ लिख ही देती हूँ, यहाँ मैं कोई नेम लिख देती हूँ, मेमरी, फिर टैब दबाया, सॉरी मेमोरी, सीपीयू, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, मैंने कोई भी नेम लिख दिए हैं। मॉनिटर के बाद जॉयस्टिक, जो सडनली नेम आ रहे हैं दिमाग में, ठीक है ये मैंने लिख दिया है। उसके बाद कीबोर्ड, मुझे अब क्या करना है इसमें, ये आ रहा है यहीं पर, राइट क्लिक, बॉर्डर और शेडिंग, आपको कैसा बॉर्डर चाहिए, ठीक है ये देखिए, बॉक्स फॉर्म में चाहिए, ओल्ड बॉर्डर चाहिए, ओल्ड बॉर्डर है ये आपका, कलर कौन सा चाहिए, रेड चाहिए, तो ये देखिए इस तरीके से आप चेंजेस कर जाते हैं। तो ये होता है आपका टेबल, टेबल अंदर में बहुत डीप है, कलर है, शेडिंग है, वो सब आप अप्लाई करते रहिए, आपको ऑप्शन मिलते रहेंगे, वहीं पर ऑप्शन आपके सब ऑप्शन खुल कर आ जाते हैं। जैसे मैं क्लिक करूंगी ना तो ये सब ऑप्शन देखो ये खुल कर आ जाते हैं, ये शेडिंग यहाँ से भी कर लो चाहे राइट क्लिक से कर लीजिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट करते हैं आपका इंस पिक्चर। देखिए पिक्चर इंसर्ट करने का बहुत शौक होता है ना, और कैसे करते हैं इंसर्ट, डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, पिक्चर कर देंगे, जहां करनी है पहले वहां पर क्लिक करेंगे, मेरे को यहां पर क्लिक करनी है, कर्सर मेरा यहां आ चुका है, यहां गई मैं पिक्चर पर, तो ये आपके सिस्टम की पिक्चर्स को उठाएगा, तो आपके सैंपल पिक्चर्स में जो भी पिक्चर्स पड़ी हैं सपोज मेरे को ये लेनी है तो मैंने ये इंसर्ट कर दी, तो देखिए ये मेरी पिक्चर खुलकर आ गई है। इसे जैसे ही आ गई है आपको इसका साइज बड़ा या छोटा करना है, तो आप इसके साइज को एरो का आ रहा है इस तरीके से छोटा कर देंगे, ये देखिए ये एरो बन के आ रहा है ना इस तरीके से। और अगर आप इसे इसके चाहते हो बॉर्डर चाहते हैं, जोन सा बॉर्डर चाहेंगे ये देखो इस तरीके से राउंड शेप में चाहिए, तो ये देखो राउंड शेप में आ जाएगा। भालू गायब कहाँ हो गया, ये रहा, ठीक है, जो उनसे भी आपको इसकी शेप चाहिए ये उस शेप में चेंज हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। और इसमें और भी ऑप्शन है ये देखिए, ठीक है, शेडो में चाहिए तो शेडो में आ जाएगा, ये यहीं पर होगा, ये रहा इसकी शेडो आ रही है। तो ये होती है इंसर्ट पिक्चर, पिक्चर की शेप चेंज करना, पिक्चर के बॉर्डर का अगर आपको कलर भी चेंज करना है, ये देखिए आपने रेड किया तो देखो रेड आ गया, थोड़ा टाइम लेता है ना। और पिक्चर इफेक्ट, शेडो में चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए, मैंने बताया ना जितना आप इसके डीप में जाओगे ना उतने बहुत सारे ऑप्शंस इसमें आते चले जाएंगे, बहुत ऑप्शंस हैं, इसीलिए ये बहुत इजीली आपको समझ में आता चला जाता है। इसकी पोजिशन आपको अगर सेट करनी है, पोजिशन कहाँ रखनी है, पेज के ऊपर रखनी है तो ऊपर चली जाएगी, ये फिलहाल मैंने मिड में रखा हुआ है तो ये मिड में आ गई, ये देखिए, ठीक है, ये देखो। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। और अगर आपको ये हटानी है, पिक्चर हटानी है आपको, तो आप सिंपली राइट क्लिक करेंगे और यहां से इसको कट कर देंगे,
तो आपकी पिक्चर कट हो जाएगी। सेम ऐसे आपका क्लिप आर्ट होता है। क्लिप आर्ट क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कुछ पिक्चर्स आपको देता है, आप वहां से सर्च कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर दे दिया इसने सर्च फॉर, मुझे क्या करना है, मेरे को कंप्यूटर सर्च करना है, उसका कोई डायग्राम मेरे को चाहिए, तो मैंने कर दिया गो। तो डू यू वॉन्ट टू, यस। तो ये देखिए उसने क्लिप आर्ट में ये मेरी गैलरी दे दी है। आपको जो सी भी अच्छी लगे आप इसे ड्रैग करके यहाँ रख लीजिए, जितनी भी चाहिए उसे ड्रैग करो और अपने पेज पर रख लो। ड्रैग करना तो मोस्टली सभी को आता होगा, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। सेम इसको रोटेट करना है या इसका उठाकर कहीं और रखना है, थोड़ा सा दूर करना है, तो आप कर सकते हैं। और अगर आपको रिमूव करनी है, सेम वही राइट क्लिक कीजिए और इसको कट कर दीजिए, तो ये आपकी पिक्चर कट होती चली जाएंगी। मैं आपको रिमूव भी और कट दोनों सिखा रही हूँ ताकि आप इजीली उसको समझ सकें। उसके बाद आपके आती है शेप, आपको इंसर्ट करनी है शेप, कोई बनाना है बीच में रखना है। तो देखो मैंने ये ले लिया और ऐसे ड्रैग कर दिया, तो देखो आ गया। अब मेरे को इसमें कुछ लिख, इसमें बॉर्डर भी है, जो सा चाहिए वो ले सकते हैं आप, ये देखिए। और इसके अंदर आपको कुछ लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट, यहाँ मैंने लिख दिया हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, ये मैंने लिख दिया है। इसको भी अगर इसका फॉन्ट चेंज करना है, इसे सिलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे और यहाँ से इसका चेंज कर देंगे। ये देखो 16 हो गया, और बड़ा करना है तो और बड़ा कर देंगे। इस तरीके से आप कोई भी डायग्राम बना सकते हैं इसमें, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने नाम लिखे हैं, शेप बहुत सारी भी है। ये देखिए आपको ये स्माइली बनानी है, स्माइली बनाने का आपको शौक होता है, ये देखिए मैंने स्माइली बना ली, ठीक है। इसका कलर भी कर दिया, ये सब इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। शेप आउटलाइन, चेंजेस शेप, शेडो इफेक्ट, इसमें भी सेम वही आते हैं, ये देखो चेंज होते जा रहे हैं ना, आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस तरीके से हम चेंजेस करते हैं, क्लियर। और भी कोई एरो साइन लेना है ना, मैंने ये एरो इसके साथ जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये आपके क्या होती है, ऐसा कर दिया इसको, जिधर मर्जी उधर मूव कर दो। तो ये आपकी शेप होती है, हटानी है, सेम वही राइट क्लिक करो और कट कर दो, ठीक है। इसको भी मैं कट कर देती हूँ।